सबसे पहले आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद। विपक्ष में होकर के संख्या ज्यादा दिख रही है। जब हम सत्ता में प्रेस करते थे शायद इतने पत्रकार साथी नहीं दिखाई देते थे। मैं आपका धन्यवाद देता हूं। और ये प्रेस हालांकि कल होनी चाहिए थी, आज प्रेस करने का मौका मिला क्योंकि कमेटी के लोग कुछ विलंब से आए थे, इसलिए प्रेस नहीं हो पाई थी। मैं समझता हूँ जो मौके पे लोग गए थे, पूर्व मंत्री थे उस कमेटी में, विधायक हैं वो कमेटी में हैं, और सहारनपुर शहर से हमारे विधायक संजय गर्ग ये अभी वहाँ से चुने गए हैं। कमेटी के लोगों ने जो कुछ कहा इन्होंने देखा है वहां पर। प्रेस के साथियों पर फुटेज रही होगी, उनका कैमरा तोड़ दिया गया। जानकारी मिली होगी कि दूसरी प्रेस के पास है, उसका भी तोड़ दिया गया कैमरा। सीसीटीवी तोड़ दी गई, जो कैमरे लगे होंगे वो भी टूट गए होंगे, क्योंकि उस अधिकारी को हटाना था इसलिए उसे नाम जो लिखा हुआ था वो अच्छा नहीं लगा, वो नाम भी तोड़ दिया गया। गाड़ी उनकी टूटी है कि उनसे वरिष्ठ अधिकारी थे उनकी गाड़ी तोड़ दी गई, यहां तक सुनने को मिला है। और जो बात बताई गई है कि अंदर घुस गए और उस कुर्सी पे भी बैठ गए लोग, और कुर्सी पे इस तरह बैठे कि जैसे वो वरिष्ठ अधिकारी कुर्सी पे बैठते ही बन गए हों, वर्दी उन्होंने न पहनी हो, ट्रेनिंग न की हो, आईपीएस का परीक्षा न पास की हो, लेकिन जब उस कुर्सी पे बैठ गए तो उन्होंने कहा और जो किया है वो आपकी भी जानकारी में है। वो पुलिस कप्तान बहुत अच्छा पुलिस कप्तान है, लगातार 5 साल कुछ महीने हो सकता है कि जहां मौका न मिला उन्हें काम करने का, क्योंकि वो एडीसी गवर्नर के थे तो कई बार उनसे मिलने का मौका मिलता था। मैं ये कह सकता हूं कि वो अधिकारी अच्छा है, उसने मौका भी जहां कहीं काम किया वो निष्ठा पूर्वक काम भी किया है। कई बार शिकायतें होती हैं राजनीतिक दल में दूसरे में होने की वजह से, या राजनीति में जिले में शिकायतें होती हैं प्रशासन की, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें अच्छे जिले में काम करने का मौका मिला। सोचो सहारनपुर में उनको किसका सामना करना पड़ गया। उन्हें नहीं पता था कि ये दूसरे तरह की सरकार है, वो किसी की परवाह नहीं करेंगे, आपकी भी हमारी भी परवाह नहीं करेंगे। और देखना भी वक्त आएगा आप भी इस बात को महसूस करेंगे, क्योंकि जिस तरह का व्यवहार और जिस तरह की भाषा है, आपने फोन पे भी रिकॉर्डिंग सुनी होगी इनके तमाम बीजेपी के नेताओं की जो रिकॉर्डेड है कई अधिकारियों के पास, कि किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं, किस रुतबे से कह रहे हैं। ये लोकतंत्र की जो तस्वीर दिखाई जा रही है ये खतरनाक तस्वीर है। हमसे तो कल भी लोग मिले थे, झांसी के लोग मिले, ये तो सहारनपुर की बात है, झांसी के लोग मुझसे मिले आके, इन्होंने कहा साहब हम पे सब कुछ लाइसेंस है लेकिन हमारा रिन्यूअल नहीं हो रहा है, हमारी दुकान भी बन गई है, हमने टाइल भी लगा दी है, शीशे भी लगा दिए हैं, जो कुछ चीजें पूरी होनी थी वो भी हम पूरी कर रहे हैं, लेकिन रिन्यूअल नहीं हो सकता हमारा। आपने सपना और लोगों को कहा कुछ और था, उत्तर प्रदेश की जनता को कहा क्या था आपने, और सत्ता में कर क्या रहे हैं आप? ये आरोप तो हम पे लगता था कि समाजवादी लोग गुंडा पार्टी है, ये गुंडों की पार्टी है, थाने में गुंडे हैं। हमें भी कहा गया क्योंकि अगर गुंडे हमारी पार्टी में तो नेतृत्व तो हम ही कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, अगर 5 साल सरकार चली है हमारी और अगर कोई घटना हो गई होगी
तो मैं टीवी के सामने कह सकता हूं टीवी वालों ने मेरी तस्वीर लगा करके उस घटा को दिखाया होगा। मैं आपसे पूछता हूं, आप में से कितनों की हिम्मत है कि मुख्यमंत्री की फोटो लगा करके घटना दिखा दें? बदायूं का बलात्कार हुआ था, बदायूं की बलात्कार में यूएन से लेकर के तमाम लोग बोले थे। 3 महीना 6 महीना आपने मेरी फोटो लगा करके और पूरी न्यूज चलाई थी। कभी कोई डकैती हो गई होगी, घटना हो गई होगी, बताओ इलाहाबाद में अखबारों में पढ़ा है क्या घटना हुई है? क्या आपने तस्वीर लगाई सरकार की? अधिवक्ता मार दिया गया इलाहाबाद में, प्रतापगढ़ में। अधिवक्ता के साथ घटना हो जाए तो कितना चलता था, हमारी सरकार में भी हुआ, ये हम नहीं कहते। और जो घटनाएं राजधानी में हो रही हैं, तो इसलिए जो हमारी कमेटी ने जो बातें कही हैं, और अगर ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे और ये संदेश जो प्रदेश का, ये देश है उत्तर प्रदेश, जो पुलिस का प्रशासन का मनोबल गिराया जा रहा है, इससे उत्तर प्रदेश आगे नहीं जाएगा। उत्तर प्रदेश की जनता ने तो जो बातें आपने कही वो तो मैं कह भी नहीं सकता टीवी और कैमरे के सामने। आपने समझाया नहीं था लोगों को, आपने लोगों को बहकाया था। और ये बात मैंने पहले दिन ही कही थी, अब तो मैं प्रदेश के तमाम लोगों से मिल चुका हूं, उन्होंने कहा कि जनता को पता ही नहीं वो जनता किस लिए वोट दे दी। कई बार तो ये भी कहते हैं कि वोट हमने दिया लेकिन वोट अब गया कहां। हालांकि मशीन पे तो हम बात उतनी ही कहेंगे जितनी हम कह चुके हैं, लेकिन कानून व्यवस्था के सवाल पर जो व्यवस्था समाजवादी लोगों ने बनाई थी 100 नंबर से लेकर के, और शायद उससे कोई बेहतर सुविधा नहीं थी, तो हम तो कहते हैं सरकार को कि इससे बेहतर क्या सुविधा लाओगे, हमारा गुंडा राज था, जंगल राज था। आज तो लोग डरे हुए हैं, दहशत में हैं, अपनी परेशानी भी नहीं बता सकते। अगर कोई मुसीबत में है कम से कम उसको भरोसा नहीं है आप, और लोकतंत्र में अगर भरोसा छूट जाए वो इतने दिन, कम दिन में, शायद जो तस्वीर देखेगा या जिसने खबर पढ़ी होगी कि उनके बच्चों ने क्या कहा, उनके परिवार के लोगों ने क्या कहा, तो शायद किस पे भरोसा करेंगे वो लोग। इसलिए जो कमेटी गई मैं उनका धन्यवाद देता हूं। मुझे उम्मीद है कि ऐसे लोग जिन्होंने माहौल खराब किया है, और वो लोकसभा के सांसद हैं, ये पहली बार नहीं किया उन्होंने, पहले भी किया है, पता नहीं उन्हें ये लगता है कि यही करने से वो आसानी से चुनाव जीत सकते हैं, इसलिए वो कर रहे हैं। सड़क बनाने से, बिजली पहुंचाने से, स्वास्थ्य की सेवाएं देने से शायद वो नहीं जीत सकते हैं। वो सांसद, वो विधायक, वो जानते हैं कि लोगों को अगर हम बहका लेंगे, लोगों को कोई दूसरा हम सपना दिखा देंगे, तो शायद हमें वोट ज्यादा मिल जाएगा। बाबा भीमराव अम्बेडकर जी का सपना पूरा करना, केवल उनकी जयंती मना लेना, प्रोसेशन निकालने से उनका सपना पूरा हो जाएगा? हम तो कहते हैं कि सरकार में आ गए आप, कम से कम सपना पूरा करो उनका। प्रोसेशन तो कभी भी निकल जाएगा, जब चाहोगे तब निकाल लोगे आप, क्योंकि आप सरकार में ताकतवर हैं आप, मना भी होगा तब भी निकाल लेंगे आप। लेकिन अब सपना कब पूरा होगा उनका? कम से कम बाबा भीमराव अंबेडकर जी का सपना पूरा हो जाए। संविधान का रास्ता, कानून का रास्ता, और कानून अगर काम करेगा तो मैं समझता हूं वहां के सांसद, वहां के विधायक बच नहीं पाएंगे। ये तो परीक्षा अब सरकार की है, हमारी तो कमेटी जो सिफारिश करेगी सरकार माने या ना माने, लेकिन सबसे बड़ी बात है सरकार की परीक्षा भी ये है सहारनपुर से, कि अपने विधायक अपने सांसदों पे कितनी कार्रवाई करेंगे।